दोस्तों, कोरोना वायरस के सेकेंड वेव का बहाव बढ़ने के कारण अब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने 14 अप्रैल से ही रात 8 बजे के बाद लॉकडाउन घोषित कर दिया था अगले कुछ 15-20 दिनों के लिए। ऐसे में टीवी जगत की बहुत सी सीरियल्स और फिल्मी जगत की बहुत सी फिल्मों की शूटिंग को रोक दिया गया है। कुछ सीरियल्स की शूटिंग को रोका नहीं है, लेकिन मुंबई से बहुत दूर कहीं आगरा, कहीं हैदराबाद तो कहीं वाराणसी, इस तरह के लोकेशंस पर बहुत से सीरियल्स की शूटिंग को बदल दिया गया है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि कलर्स टीवी की सुपरहिट सीरियल शक्ति एक अस्तित्व के एहसास की शूटिंग को भी रोका जाएगा लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के बहाव के चलते। रुबीना दिले की वापसी सीरियल में अभी अभी हुई थी और जैसे ही रुबीना की वापसी हुई थी, सीरियल की टीआरपी में बहुत फर्क आया था और सीरियल की रैंकिंग में और व्यूअरशिप में भी बहुत फर्क आया था। ऐसे में अगर शक्ति सीरियल की शूटिंग को इस मुकाम पर आकर रोका जाएगा तो सीरियल की व्यूअरशिप पर दोबारा से बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। ये खबरें सामने आ रही हैं कि शक्ति सीरियल की शूटिंग को भी अगले 15 दिनों के लिए डेफिनेटली रोका जाएगा, कास्ट की और सभी क्रू मेंबर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। अगर सीरियल के मेकर्स की बात करें तो मेकर्स द्वारा ये बयान आया है कि उनके पास अगले एक हफ्ते के लिए यानी 7 दिन के लिए एपिसोड्स जो हैं वो नए फ्रेश एपिसोड्स बैंक में हैं, लेकिन उससे ज्यादा की अगर बात करें यानी 15 दिन से ज्यादा की बात करें, 7 दिन से ज्यादा की बात करें, तो फिर एपिसोड्स का रीरन ही चलाना होगा। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, पुराने एपिसोड्स को ही रिपीट करके दिखाना होगा। तो ये दोस्तों बहुत ही मैं कहूंगी कि अफसोसजनक बात है कि रुबीना दिले की शो में वापसी अभी अभी हुई थी, लेकिन कोविड के चलते दोबारा से इस सीरियल की शूटिंग को रोका जाएगा। क्या है आपका इस पर कमेंट करना, हमें जरूर बताएं।